ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये जो मौका दिया है। मैं आपको सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, आपके ज़रिए से हुकूमत को। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरे के अंदर आज वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सर, यानी वाटर लाइन के अंदर सीवरेज लाइन मिल गई है सर, इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान है सर। जैसा इमामबाड़ा है, मौला का छिल्ला है, कोरमागुड़ा है, तालाब कट्टा है, जहांगीर नगर है, डबिलपुरा है, संतोष नगर, रेन बाज़ार सर, ये तमाम जगह के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे वाटर पोल्यूशन को दुरुस्त करने के लिए बोलते हैं कि टेंडर का जो पुराना था उसका ऑलरेडी अमाउंट ख़त्म हो गया, इसके लिए काम नहीं कर रहे सर। और जो एयरटेक मशीन जो व्हीकल होता है सर, वो भी बराबर अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखिए कि एसआरटी कॉलोनी मॉर्निंग स्टार के पास में एक बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है सर सीवर का, मगर वहाँ पर एयरटेक मशीन नहीं सप्लाई कर सक रहे हैं, क्यों बोले तो अवेलेबल नहीं है, उसका भी टेंडर ख़त्म हो गया। तो मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ सर, ये तो बहुत असेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर फ़र्ज़ करिए पानी अगर आप ठीक से नहीं पिलाएंगे तो गवर्नमेंट की भी बदनामी होंगी और आवाम बीमार हो जाएंगी सर। इसीलिए मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से सीधा ये कहना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ों के लिए आप वाटर पोल्यूशन देखना ज़रूरी है। इसमें जैसा भी हमारे पास, मैं जैसा कहा है कि डबिलपुरा भी है, संतोष नगर है, रेन बाजार है सर, ये भी एरिया के अंदर पोल्यूशन है। एक और एक सवाल सर, अभी हमारे पास बस्ती दवाखाने हर डिवीजन में खुले सर, मगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर, उसके ऊपर भी तवज्जो की जरूरत है। मैं मुझे ये मौका देने पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।